बिजली संबंधित, ऊर्जा संबंधित हमारा सवाल था और समांतर जैसे हम लोगों को कुछ भी जवाब मिल जाता है उसी प्रकार से अभी भी जवाब आया है। ये बजट का प्रावधान का जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल जो सरकार का है उसमें जरेडा के उपर्युक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। विभाग ने मुझे जवाब दिया है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के उक्त योजना के क्रियान्वयन 20 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन प्राप्त है। क्षेत्र की कुछ मांग मैंने विभाग के सामने रखी थी और ग्रिड बनाने का प्रपोजल मेरा भेजा प्रस्तावित था और लंबे समय तक वो जब नहीं हो रहा था तो और इस बात का एक्सक्यूज दिया जा रहा था कि अपने पास उसके लिए बजट नहीं है, लेकिन जहां सरकार 200 करोड़ रुपया का आवंटन रखी है वहां विभाग से जवाब आता है कि 20 करोड़ रुपए का ही प्रावधान है। इसी विषय में हमारा पूरक भी है अध्यक्ष महोदय। विरंची जी समझाइए माननीय सदस्य को। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय आपका दल का है माननीय सदस्य बट के द्वारा ये प्रश्न किया गया था और प्रश्न में था कि मध्यम विद्युतीकरण करने की योजना के लिए पूरा संरक्षण 22-23 में 200 करोड़ का प्रावधान था जबकि ये बात सही नहीं है। बताइए वास्तव में 20 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान था जो और इनका और भी आपको पूर्ण संरक्षण मिलेगा, सारे सदस्यों को पूर्ण संरक्षण मिलेगा। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय ये 200 करोड़ की जगह ये 20 करोड़ का प्रावधान था, बजटीय बंद था और इनका जो मांग है कि इनके जिले में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है तो एक योजना है 23-24 में वहां के उपायुक्त से मांगा गया है और रिपोर्ट आ गया है 98 गांवों को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में उसका विद्युतीकरण करना है, इसके लिए पूरी योजना बना ली गई है और 23-24 में विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य संतुष्ट है? नहीं अध्यक्ष महोदय। आप पूरा मैं जानना चाहती हूं कि मुझे जो विभाग के द्वारा जवाब दिया गया है वो डॉक्यूमेंट सही है या वो जवाब सही है या जो बजट के समय हम लोगों को पुस्तक दिया जाता है जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसमें दी हुई छपी हुई बातें सही है। आपके माध्यम से मैं उसकी कॉपी सरकार के पास भिजवाना चाहती हूँ कि इस तरह की गलती आखिर किस प्रकार से हो रही है। दूसरा ये कि मैंने अपने क्षेत्र के लिए मांग की थी, मुझे खुशी है कि हमारे जिले में दो जो पिछड़े हुए ब्लॉक है बुआरी जोर और सुंदर पहाड़ी में विद्युतीकरण का काम होगा, लेकिन मेरी मांग मेरे क्षेत्र को लेकर के थे, मेरे पिछड़े हुए प्रखंड को लेकर के था, उस काम के बारे में अगर मुझे कुछ आश्वासन मिल जाए और फिर या और साथ ही आप पूरक पूछिए तब ना मंत्री जी को जवाब देने में सुविधा होगा। मेरा पूरक मैंने आपको कागज भी भिजवा दिया अध्यक्ष महोदय। मुझे विभाग से जो जवाब मिला है वो सही है कि या जो बजट का डॉक्यूमेंट दिया गया था उसमें छपी हुई बात सही है। दूसरा ये कि उसको बोलवा सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जिस प्रश्नगत जो ये है उसका उत्तर इन्हें दिया गया है कि जो योजना का जिक्र इन्होंने किया है 200 करोड़ रुपया जरेडा के लिए के कार्य के लिए है और उसमें अलग अलग हेड है, अलग अलग कार्य इसमें करने हैं और जो जिक्र इन्होंने किया है माइक्रो ऑफ एवं ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना इसके लिए 20 करोड़ का भी प्रावधान था पिछले वर्ष और मैंने स्पष्ट कर दिया है माननीय सदस्य को यह अवगत करा दिया गया है कि जो इनके द्वारा मांग की गई थी जो 98 गांव अविद्युतीकरण गांव को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में विद्युतीकरण उसका करा लिया जाएगा तो इनके इनका जवाब तो इन्हें स्पष्ट मिल गया है। माननीय सदस्य महोदय मैंने कागज आपको भिजवा दिया है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उसको दिखवा लेंगे। ठीक ठीक। और उसमें जो मांग मैंने रखी थी उसी के लिए प्रावधान था लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है, वो डॉक्यूमेंट सही हो जाए। दूसरा ये कि मैंने अपने एक पिछड़े प्रखंड के लिए भी मांग रखी थी, बुआरी जोर और सुंदर पहाड़ी में जो काम होगा उसका मैं स्वागत करती हूँ, उस सूची में ठाकुर गंगटी को भी जोड़ लिया जाए, मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय।